بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سب سے پہلے اللہ رب العالمين کا شکر ادا کرتا ہوں सानियन रफीकार का दिल की गहराइयों से सिपास गुजार हूं कि वह एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सीरीज के तहत मेरा उन्वान है अल्लाह के साथ अदब एहतराम। मैं पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा कि मुझे इस मौजू का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मौजू है अल्लाह के साथ अदब एहतराम। वैसे तो इंसान अपने जैसे इंसानों को उनके साथ अच्छा पेश आने, अदब एहतराम करने के लिए अच्छी गुफ्तगू, मीठी गुफ्तगू, अच्छे लिबास, अच्छे किरदार वगैरह के जरिए मुजाहरा करता है, लेकिन अल्लाह ताला सारे जहां का मालिक, पैदा करने वाला और खालिक है, तो सबसे ज्यादा हक उसी का बनता है कि उसके साथ अदब एहतराम किया जाए। उसके अदब एहतराम के बुनियादी तौर पर तीन उसूल आते हैं। पहला उसूल, अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है बयान करदा चीजों की तस्दीक करना है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وان تؤمن باليوم الاخير रवाहुल बुखारी, और रिवायत नंबर है 4770 पर साहब। यानी उसके बयान करदा चीजों की तस्दीक का मतलब यह कि ईमान लाए अल्लाह पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर, और ईमान बिल कद्र वल खैर यानी तकदीर पर, तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर, और इसी तरह मा बादल मौत के जिंदगी पर यानी खयामत है, उसके बाद हशर है, वहां के फैसले है, उन सारे चीजों पर ईमान, ये है असल। और दूसरा उसूल अमल। ईमान और तस्दीक के बाद का मरहला अमल का आता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की तारीफ में यूं कहा है कि इन्नमा काना औला मुमिनीन इजा दुउ इला अल्लाह व रसूलिह लियहकुम बैनहुम अन यकूलु समिअना व अताना। कि बेशक मोमिनीन का कौल जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि उनके दरमियान फैसला करे, तो उनका कौल है हमने सुना और हमने इताअत की, जो भी कहा है अल्लाह और उसके रसूल ने हमने सुना है और हमने उसकी इताअत की। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुत्तकियों के बारे में कहा अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, वो ईमान रखते हैं गैब पर, यानी जो कुछ भी है पस पर्दा चीजें सब पर उनका ईमान है। ये हुआ दूसरा उसूल। और तीसरा उसूल है तकदीर पर ईमान, यानी तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर उन सारी चीजों पर ईमान रखना है। आदाब तो बहुत है। पहला आदब हमारा अल्लाह के साथ ये होना चाहिए कि खालिस तौहीद हो। खालिस तौहीद में मिलावट किसी किस्म की जरा बराबर भी तौहीद में मिलावट नहीं होनी चाहिए। शिर्क अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला ला यग़फिरु अन युशरक बिही, अगर कोई इसके साथ शिर्क करता है तो उसको माफ नहीं करता, उसके अलावा जो चाहे माफ कर सकता है। ये शिर्क ये हर किस पसंद नहीं करता अल्लाह ताला, क्योंकि शिर्क के जरिए तुम अल्लाह ताला में नक्स करते, क्योंकि उसी ने पैदा किया है, वही रिस्क दे रहा है, सब कुछ वही है, फिर अगर तुम उसके साथ किसी को शरीक करते तो एक ऐसा माजरा है। एक और अदब शिर्क खफी, उससे भी बचना चाहिए, शिर्क के साथ साथ शिर्क खफी से भी बचना चाहिए। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई अल्लाहुम्मा इन्ना नऊदु बिका मिन अन नुशरिका बिका नालमु वनस्तगफिरुका लिमाला नालमु। सही तरहीब में रिवायत है, रिवायत नंबर 30 पर छे, और इसी तरह है रिवायत अहमद में भी मिलती है, और इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अदबुल मुफरद में इस रिवायत को जिक्र किया है। कहला हम तेरी पनाह चाहते हैं कि हम जानबूझकर तेरे साथ किसी को शिर्क करें, और इसी तरह हम तेरी पनाह में आते हैं, हम तुझसे मगफिरत तलब
करते हैं कि हम बगैर जाने नादानिस्ता तौर पर अगर हमसे शिर्क हो जाए, शिर्क खफी हो जाए, पोशीदा कुछ हो जाए, तो हम तुझसे इस्तग़फ़ार तलब करते हैं। अल्लाह के साथ अदब एहतराम की एक और चीज, उसके अस्माए सिफात को तस्दीक करना, जैसे है वैसे कबूल करना, बगैर तावील के, बगैर कैफियत के बयान किए के, बगैर उसमें उसकी वजाहत के, कुछ नहीं, जैसा अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह और उसके रसूल ने जैसा बयान किया है, वैसे ही हम उसके अस्माए सिफात को कहेंगे और तस्लीम करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया फला तज़रिबु लिल्लाहिल अम्साल इन्नल्लाहा यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तो अल्लाह ताला के लिए मिसालें और वगैरह कैफियत वगैरह बयान ना करो। ये तशबीह, यही से शिर्क की शुरुआत होती है। हरगिज किसी बंदे को, किसी मखलूक को अल्लाह के खालिक के मुशाबे हरगिज करार नहीं देना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह शुरा आयत नंबर 11 में फरमाया लैसा कमिस्लिही शय, उसके जैसी कोई चीज नहीं, वो समी और बसीर, वो सुनने वाला और देखने वाला, सब कुछ उसी के पास है। और सूरह इखलास में अल्लाह ताला ने फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह के बराबर कोई चीज नहीं। एक और अदब अल्लाह ताला का है कि उसके साथ तवाज़ो, इनके सारी और गुनाह का खौफ हमारे दिल में, अल्लाह ताला की खशियत, अल्लाह ताला का खौफ और हैबत ऐसी हो कि हम गुनाह करने से पहले सोचे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, यालू मा फिस समावाति वल अर्द व यालू मा तुसिरून व मा तुलिनून, वो जानता है जो कुछ आसमानों में हो रहा है, जो कुछ जमीनों में हो रहा है, और इसी तरह अल्लाह ताला जानता है जो कुछ के तुम छुपा कर करते हो, जो कुछ के तुम अलानिया करते हो। ये सूरह तगाबुन की आयत है। और तो और कुछ लोग गुनाह करते हैं तो गुनाह भी आयत की बात है, लेकिन खुलेआम गुनाह करना, तशहीर के साथ गुनाह करना एक और ज्यादा खुला है, अल्लाह के साथ बेआईबी है। इसी वजह से आप शासन ने फरमाया बुखारी की रिवायत है 6029 कि कुल्लु उम्मती मुआफा इल्लल मुजाहिरीन, के जो भी उम्मत है उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन बिल जहर खुलेआम गुनाह करने वाले, इसको अल्लाह ताला ने आप शासन ने इसको इस्तेसना के साथ कहा है। और अल्लाह ताला के आदाब में से एक अदब हमेशा यह होना चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह ताला का मोहताज समझें, कि जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अपने नफ्स को हमेशा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाएं इसकी तंगी से, इसको भटकने से। इसी वजह से आप सल्लम ने अपने लखते जिक्र फातिमतु जहरा रजी अल्लाह अन्हा ये दुआ सिखलाई के या हय्यूम या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत अईन, ऐ कायम हम और हमेशा जिंदा रहने वाली जात, हम तुझी से मदद को तलब करते हैं, तू मेरे हालात को, तू मेरे मामला को ठीक कर, और तू मुझे अपने नफ्स पर पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे नफ्स पर कंट्रोल ना दे। ये भी सही तरतीब की रिवायत है और नसाई में भी है, और रिवायत नंबर 1340 पर 6। और इसी तरह अल्लाह ताला के आदाब में से एक और अदब, अपने सारे मामला जो भी मोहताजे हैं, मुरादे हैं, दुआएं हैं, सब कुछ अल्लाह के पास, गैरुल्लाह के सामने किसी किस्म का जाकर तस्लीम करना या उनके सामने पेश करना मुतालबा हरगिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहाबाए किराम के बारे में आता है जो कुछ भी हो दो रकात नमाज पढ़े और दुआ करें। हमेशा हमारा भी यही हाल होना चाहिए कि हम अपने सारे मामला अल्लाह के सामने पेश करें और अल्लाह ताला ही से मदद तलब करें। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर नमाज में सूरह, हर रकात में नमाज में सूरह फातिहा की तलकीन की, क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद तलब करते हैं, कि हर नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि इंसान के अंदर होना चाहिए सारे मामला जो कुछ भी हो अल्लाह ताला है, मैं उसी से मांगूंगा। एक और अदब, खौफ और तमा के साथ इबादत होनी चाहिए। यदउनहु खौफुन व तमा, अल्लाह ताला ने कहा है ये सूरह आराफ की आयत नंबर 50 पर 6 है इन्न रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि वो पुकारते हैं खौफ और तमा के मिले जुले जज्बात से, बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेकोकारों के करीब है। अगर सिर्फ खौफ 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 में मुब्तला होंगे तो अल्लाह की रहमत से मायूसी हो जाएगी, अगर सिर्फ ख्वाहिशात ख्वाहिशात हो जाएंगे तो अल्लाह का खौफ नहीं रहेगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा यदउनहु खौफुन व तमा,
ये अदब है। और इसी तरह वैसे तो अल्लाह ताला खैर और शर दोनों का मालिक, दोनों उसी के जारी से कुन फयकुन है, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि हम खैर को तो अल्लाह की जानिब करें लेकिन शर को हम अपने ही नफ्स के जानिब कर सकते, अपने जानिब करना है या शैतान के जानिब करना है, शर को अल्लाह की जानिब नहीं करेंगे, ये भी अदब का एक तकाजा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, उन्होंने कहा कि रिज़्क देने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह है, लेकिन बीमारी की नस्बत अपनी तरफ की, वैदा मरिस्तु फहुवा यशफी। ये रहे कुछ आदाब कि अल्लाह ताला के साथ उसने अदब कैसे होना चाहिए, खुसूसन गुनाह, और गुनाह के लिए जो कैफियत है, अदब का तकाजा यह है कि गुनाह से करने से पहले अल्लाह ताला का खौफ हमारे अंदर होना चाहिए। क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ने कहा है, बुखारी की रिवायत है कि इन्नल मुमिन यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहत जबल, कि बेशक मोमिन गुनाहों को ऐसे महसूस करता है गोया कि वो बड़े चट्टान पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है, यखाफ यखा अलैह, वो खौफ महसूस करता है कि कहीं गिर ना जाए, वो अन्नल फाजिर व इन्नल फाजिर यरा ज़ुनूबहु कदुबाबिन मर्रा अला अन्फी, और ये कि फाजिर गुनहगार शख्स एक मक्खी जिस तरह उड़ती है उसी तरह वो गुनाह को समझता है, ये निहायत ही अल्लाह के साथ बेअदबी कलंक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हद दर्जा हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का अदब एहतराम करें और जो उसके अदब के तकाजे हैं उसको पूरे करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और मुझे और आपको अल्लाह ताला के साथ हुस्ने बंदगी, हुस्ने इबादत, और उसी तरह जो जो भी अदब के तकाजे हैं पूरे करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अकुलु कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।